राजधानी जयपुर के कल्याण जी के रास्ते के बाद अबरामगढ़ मोड़ चौराहे स्थित कृष्णा कॉलोनी में हिंदुओं का पलायन जारी के पैम्पलेट लगे हैं। इस तरह के पैम्पलेट देर रात को लगने के बाद प्रशासन में खलबली मच गई है। जो पैम्पलेट यहां पर लगाए गए हैं उन पर लिखा है, कृष्णा कॉलोनी निवासी पलायन को मजबूर, हवा महल के रामगढ़ क्षेत्र में हिंदुओं का पलायन जारी। वहीं इन पैम्पलेट के नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और पार्षद पति पर आरोप लगाया गया है। वहीं जैसे ही इन पैम्पलेट लगाने की सूचना पुलिस को लगी तो स्थानीय थाना पुलिस को और पुलिस विभाग के आला अधिकारी को पहुंची तो पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंची। वहीं शुरुआती जांच में ये बात सामने आ रही है कि लोगों की तरफ से सड़कें नहीं बनने की वजह से इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। हालांकि किन लोगों की तरफ से ये पैम्पलेट लगाए गए हैं इस बारे में भी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल कुछ ही देर बाद पुलिस की तरफ से एक बड़ी बैठक का आयोजन भी इलाके में लोगों के साथ किया जा रहा है। वहीं इलाके के लोगों ने कॉलोनी में धरना दिया है। पुलिस विभाग के आला अधिकारी लगातार इन लोगों से समझाइश कर रहे हैं। 2009 से ये मामला चल रहा है। दो बार विवादित स्थलों को रुकवा दिया गया। अभी भी आज से 3-4 महीने पहले हमने थाने का घेराव किया था। DCP साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि विद इन 5 डेज इसके अंदर मकान बनेगा। आपको आश्वासन देते हैं, लिखित में उन्होंने आश्वासन दिया था कि कमरे बन जाएंगे, आपको किसी प्रकार का कोई उन्माद फैलाने की आवश्यकता नहीं है। हमने साहब की बात पे विश्वास रख के अपनी दिनचर्या जैसे चल रही थी वैसे फिर इन लोगों ने दोबारा इंटेंशनली इस रोड को खुदवा कर आज से 2 महीने पूर्व खुदवा के, ठेकेदार अच्छे से रोड बना रहा था, सबको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, लॉकडाउन से भी लोग उभरे भी नहीं है, गरीब आदमी है, इनके लोगों के एक एक आदमी का 10-10, 20-20, 25-25 हज़ार का इंटेंशनली नुकसान करके गटर लाइन, सीवर लाइन सभी को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा, उसने बोला कि परसों से काम चालू हो जाएगा। आज परसों के 2 महीने हो गए, हम सारे अधिकारी निचले स्तर से लेकर ऊंचे स्तर तक के सभी अधिकारी से मिल गए, लिखित में हमने उनको लेटर दिए हैं। यहाँ तक कि हमारे MLA यहाँ के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी से भी हमें मिले हैं, उन्होंने तुरंत कहा कि अगर ऐसा कोई उन्माद है, ऐसा कोई विवाद है तो उसको सुलझाओ और उसको तोड़ो। आज तक सर अधिकारियों के जब कैबिनेट स्तर के मंत्री की नहीं मान रहे तो फिर किसकी मानेंगे। अंत में हार तक के हमें आज ये डिसीजन उठाना पड़ा कि पूरे क्षेत्र में सभी लोगों को ये प्रताड़ित करके यहाँ से भगाना चाहते हैं, यहाँ के दलालों की मोटी कमाई कराना चाहते हैं। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम साहब आलोक पारिक है, मैं यहाँ का विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। अरे नगर निगम अगर किसी भी तरीके से ध्यान नहीं देते अधिकारी वगैरह तो हमारा करना है यहीं पे रखेंगे और आगे अगर ज्यादा परेशानी हुई तो फिर रोड को जाम करेंगे। हमारे यहाँ आके की मौका स्थिति को देखे कैसी स्थिति कर रखी है, बच्चों के देखो घोड़े टूट रहे हैं, ये देखो सारे गिर गए, ये प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट में से अब इनको दवा दिलाने जाते हैं, कैसे उतारे, कैसे क्या करे क्या नहीं है, ये समस्या हमारे साथ में से। आपका नाम बता दें। हजारीलाल गुप्ता।